आज इंडिया की बहुत बड़ी जीत हुई। 100 दिन से मणिपुर पर कुछ ना बोलने वाले, सदन से भागे भागे फिरने वाले, मुंह छुपाकर चले जाने वाले मोदी जी को इस अविश्वास प्रस्ताव ने मजबूर कर दिया कि उनको सदन आकर मणिपुर पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी और वक्तव्य देना पड़ा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है। 2 घंटा 14 मिनट मोदी जी ने सदन में वक्तव्य दिया। आपको पता है वो मणिपुर पर कितनी देर बोले? 2 मिनट। सही सुना आपने, मणिपुर पर इस देश के प्रधानमंत्री 2 घंटा 14 मिनट में से 2 मिनट बोले, 6:44 से लेकर 6:46 तक। 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच इतनी उबाऊ थी कि आपके सबसे प्रिय लोग ऊंग रहे थे। ये देखिए कैसे जम्हाई ले रहे थे ये लोग। खैर, 2 घंटा 14 मिनट बोलने के बावजूद प्रधानमंत्री मणिपुर पर 2 मिनट बोले, जैसा कि मैंने आपसे कहा। 1 घंटा 38 मिनट बोलने के बाद प्रधानमंत्री जी का गला सूख गया। इतना लांछन, इतना झूठ बोल चुके थे, इतना फेंक चुके थे, तो मोदी जी को पानी पीना था। ये तस्वीर याद है ना, अडानी के वक्त मोदी जी को प्यास लगी थी, फिर ये तस्वीर हम लोगों ने खूब यूज करी थी, क्योंकि डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है। तो जब 1 घंटे 38 मिनट के बाद मोदी जी को पानी पीना था, तो कैमरा मोदी जी से हटकर स्पीकर पर चला गया। मोदी जी ने पानी पी लिया, थक गए थे कोसते कोसते, कांग्रेस को, विपक्ष को, राहुल जी को, सबको। तब विपक्ष को लगा कि ये बोलने वाले हैं नहीं, और उन्होंने वॉकआउट किया, और बिल्कुल सही किया। मोदी जी ने उसके बाद मणिपुर पर बोला। पहले तो वो 2-3 मिनट ये समझाते रहे कि अमित भाई सब बोल ही चुके हैं, और उसके बाद 6:44 पर 2 मिनट के लिए वो मणिपुर पर बोले। क्या बोले? बोले कि बहुत आहत हूं, महिलाओं के साथ गलत हुआ है, और हम सबको साथ में मिलकर करना है, वहां पर शांति फिर से लौट रही है। ये बोले प्रधानमंत्री जी। कोई जिम्मेदारी नहीं, कोई जिन लोग शहीद हो गए उनके लिए श्रद्धांजलि नहीं, कुछ नहीं। तो मोदी जी, आपसे 4 सवाल तो अभी भी बने हुए हैं। 100 दिन से मणिपुर क्यों नहीं गए? मणिपुर पर अपने आपने चुप्पी अपने आप क्यों नहीं तोड़ी? उस भयावह वीडियो के बाद ही 36 सेकंड क्यों बोला? आपकी जो सरकार पर ना आपके विधायक का, ना गवर्नर का, ना सुप्रीम कोर्ट का, आपके खुद के विधायक का विश्वास नहीं है, वो अभी तक क्यों बनी हुई है? क्यों बर्खास्त नहीं किए गए वीरेंद्र सिंह? और अंततः गतवा मोदी जी, ये पूछना था, जिस शांति की आप बात कर रहे हैं, उस शांति में असम राइफल में और मणिपुर पुलिस में तनातनी है? दोनों एक दूसरे के खिलाफ FIR कर रहे हैं। मणिपुर पुलिस बीरेन सिंह को रिपोर्ट करती है और असम राइफल अमित शाह को रिपोर्ट करती है। ये शांति बहाल कर रहे हैं आप 21वीं सदी के मणिपुर में? तो ये असलियत थी मोदी जी के मणिपुर के भाषण की। चिरपरिचित अंदाज में स्क्रिप्ट लिखी लिखाई है, वही बोलते हैं। विपक्ष को कोसना है, नेहरू तक जाना है, राहुल जी के खिलाफ 4 शब्द बोल देने हैं, इधर उधर की बातें करनी है। मणिपुर पर डिस्कशन था और ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ अट्टहास, कोई महफिल सजी हुई है, हंसी चुटकुले। मोदी जी हंसी नहीं रोक पा रहे थे अपनी। अरे कुछ नहीं तो उन 2 लड़कियों के बारे में ही सोच लिया होता जिनके साथ ही दरिंदगी हुई थी। बोल नहीं पाते आप, हंसना तो दूर की बात है। झूठ बोल गए, अभी थोड़े दिनों पहले पकड़े गए थे, एक IIT एक IIM हर साल खुलवा रहे थे, पता चला 5 साल से एक को नहीं खुला है। फिर बोल गया कि IIMC खुल रहा है मिजोरम में, अगस्त 2011 में खुला था IIMC, आपका उससे कोई लेना देना नहीं था। खैर, मोदी जी का जो ऑब्सेशन राहुल गांधी जी से है, वो आज फिर देखने को मिला। 2 घंटे 14 मिनट की स्पीच में लगातार कांग्रेस की ही, राहुल जी की ही बात करते रहे। कितने वीडियो देखते हैं भाई आप राहुल जी के? सब पता है आपको, वो कहां शूट करते हैं, किससे बात करते हैं। जब किसान वाला वीडियो देख ही लिया तो समझ लिया किसानों को दिक्कत क्या है, तकलीफें क्या है, उनकी वेदना क्या है। और कुछ नहीं तो मोहब्बत देखी कैसे दिल खोल के लुटाई जाती है, थोड़ी आप भी सीखिए, उस कायर दिल में थोड़ी तो मोहब्बत भरिए। खैर, हमारे ट्वीट भी देखते हैं आप, पसीना पूछने वाला ट्वीट भी आपको याद आ गया, पानी पीने वाला जो हमने लगाया था वो भी याद आ गया, इसीलिए आपने कैमरा मुड़वा दिया। अच्छी बात है, ये डर ये खौफ अच्छा रहता है। लेकिन मोदी जी, आज आपने एक बहुत बड़ी गलती की। आप अपने सांसदों को कुछ भी कहते रहिए, अपने चरण चुंबकों को कुछ भी डायलॉगबाजी करते रहिए, 2 चीजें आपने साफ कर दी। एक पहली चीज आपने साफ कर दी कि अपने दिमाग बेलगाम प्रवक्ताओं को और फेक न्यूज की अपनी व्हाट्सएप फैक्ट्री को, अपने सोशल मीडिया की स्क्रिप्ट आप खुद लिखते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा था मानो वो व्हाट्सएप का खर्रा पढ़ रहे हो जो आप पढ़ रहे थे सदन में भाषण अपना, बिल्कुल वैसा प्रतीत हो रहा था। तो स्क्रिप्ट तो आप खुद लिखते हैं, इसीलिए आपके पास वक्त नहीं है।
देश के काम करने का, क्योंकि आप फेक न्यूज फैक्ट्री चलाने में ही इतने मशगूल हैं। ये पहली बात। दूसरी बात, आज आपने एक गलती कर दी। आप जो बात बंद पर्दों के पीछे कहते हैं ना, वो आपको खुले में नहीं कहनी चाहिए थी। ये देश सब कुछ सहता है, ये देश अपनी मां का अपमान नहीं सहेगा। भारत हमारी मां है, इंडिया हमारी सरजमी है, हमारी मातृभूमि है, इस पर फक्र है हमें, इसके लिए दिल धड़कता है। तो जब इंडिया का कोई विद्रूप करता है, जब इंडिया को कोई घमंडिया कहेगा, और वो भी देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। आपका डर दिखता है मुझे, आप सहमे हुए हैं इंडिया के सामने, क्योंकि आप जानते हैं कि जब इंडिया से किसी का सामना होता है तो शिकस्त सामने वाले की ही होती है, जीत हमेशा इंडिया की होती है। लेकिन आज आपने गलत कर दिया। अपने देश का नाम कौन विद्रूप करता है, उसको देश प्रेमी तो नहीं कहते हैं, उसको देशद्रोही कहा जाता है। आपको क्या घमंडिया एयरफोर्स, घमंडिया नेवी, घमंडिया आर्मी, घमंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नजर आता है? क्योंकि हमें तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन पुलिस फोर्स, इंडियन डिफेंस नजर आता है, इंडियन एयरफोर्स नजर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नजर आता है, इसरो नजर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नजर आता है। क्या कह गए आज आप? ये आपने जंग देश से छेड़ दी है। और एक बात आपने और भी कही, उस पर तो आपसे सवाल है, भारत माता की जो आपने बात कही, क्या है भारत माता? भारत माता खेत है, खलिहान है, नाव है, नाले हैं, नदी है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, बाग हैं, बगीचे हैं, क्या है भारत माता? मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत माता सबसे ज्यादा भारत के लोग हैं, और भारत माता का एक अंश मुझ में भी है, और भारत माता का एक अंश आप में भी है। आप भारत माता की बात करिएगा। जो 5,000 घर जले वो भारत माता के थे मणिपुर में, जो 160 लोग मरे वो भारत माता के बेटे और बेटियां थे, जो 60,000 भारत माताएं विस्थापित हैं आंखों में आंसू लिए, जिनका सब कुछ तबाह हो गया है, उनके बारे में आप क्या कहिएगा? भारत माता का हनन, भारत माता के साथ ये बदसलूकी सिर्फ और सिर्फ एक देशद्रोही कर सकता है, एक देश प्रेमी कमी नहीं। अपनी मां को गलत नाम से बुलाने का काम सिर्फ एक एंटी नेशनल आदमी कर सकता है, एक इंडियन नहीं। जिसके दिल में इंडिया धड़कता है वो इंडिया को इंडिया के नाम से बुलाएगा, घमंडिया के नाम से नहीं। एक बहुत बड़ी गलती आज आप कर गए। आप नेहरू और इंदिरा जी तक तो पहुंचते ही हैं, लेकिन आज आपने देश की सबसे बहादुर बेटी के खिलाफ जो कहा वो अक्षम्य अपराध कर दिया आपने। आपने कच्छ तीवु द्वीप की बात करी श्रीलंका के 1974 में, वो समझौते में देना पड़ा। आपको पता है क्यों देना पड़ा? क्योंकि श्रीलंका से सटा हुआ था, और इस शर्त पर देना पड़ा कि हमारे मछुआरे आज भी वहां पर डेरा डालते हैं, और ये हुकूमत हमने करी थी। 1966 में एयरफोर्स ने बमबारी करी थी मिजोरम में, बिल्कुल करी थी। आपको पता है क्यों की थी? क्योंकि वहां पर बागी ने ट्रेजरी पर आधिपत्य जमा लिया था, MNF का झंडा गाड़ दिया था, आर्मी दूर थी। इंदिरा जी को एयरफोर्स से बमबारी कराकर वापस भारत का झंडा वहां लगवाना पड़ा। आप इंदिरा और नेहरू जी की बात कर नहीं सकते हैं। आप तो बिना बुलाए बिरयानी खाने लाहौर पहुंच जाते हैं। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।